छात्रों, पिछली कक्षा में आपने द्विमी निर्देशांक पद्धति का अध्ययन किया है। द्विमी निर्देशांक पद्धति में हम समतल में किस बिंदु की स्थिति, बिंदुपथ, वक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम जैसे ब्लैक बोर्ड एक समतल है, समतल पर हम यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, ये बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, तो हम समतल को में दो अक्ष लेंगे, एक एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। इस दो अक्षों के सापेक्ष इस बिंदु की स्थिति हम ज्ञात करेंगे। लेकिन जब हम ये बिंदु स्पेस में आ जाए, आकाश में यहाँ पर आ जाए, तो इस स्थिति ज्ञात करने के लिए हम ये दो अक्ष पर्याप्त नहीं है, इसके लिए एक और अक्ष की आवश्यकता होती है, जेड अक्ष की आवश्यकता होती है। जेड अक्ष के द्वारा हम बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो त्रिमी निर्देशांक में आज हम तीन अक्ष पर से किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करेंगे। आकाश में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए तीन अक्ष की आवश्यकता होती है। आकाश में किसी बिंदु की स्थिति की निर्धारण करने के लिए तीन अक्ष की आवश्यकता होती है। मान लो तीन रेखा है, एक्स 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 ओ एक्स डेस, एक रेखा है एक्स ओ एक्स डेस, एवं दूसरा रेखा वाई ओ वाई डेस है, और तीसरी रेखा जेड ओ जेड जेड है। इन तीनों रेखाओं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु ओ कहा जाता है, और मूल बिंदु ओ पर जो ये क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, जेड ओ वाई जेड एक्स और वाई ओ वाई डेस वाई अक्ष होती है। इन तीनों अक्ष के सापेक्ष हम आकाश में किस बिंदु की स्थिति का बताएंगे, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, उसका बिंदुपथ ज्ञात करेंगे, उसके द्वारा निर्मित वक्र का समीकरण प्राप्त करेंगे। त्रिमी कार्तिक निर्देशांक पद्धति में तीन अक्ष होते हैं, एक्स ओ एक्स डेस, जेड ओ जेड एक्स और वाई ओ वाई डेस। ये अक्ष तीन समतल का निर्माण करते हैं, एक्स ओ जेड वाई ओ जेड और वाई ओ एक्स। हम इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक्स ओ वाई और जेड, यहां पर बीच में हमको बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है, बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है, तो हम तीनों अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतरिक्ष में स्थित किस बिंदु की स्थिति। सबसे पहले हम देखते हैं अंतरिक्ष में स्थित किस बिंदु की स्थिति। अंतरिक्ष में आकाश में स्थित किसी बिंदु की स्थिति, किसी
की स्थिति। इसके लिए हमने इसका रेखा चित्र बनाते हैं। सबसे पहले धनात्मक अक्ष के द्वारा हम समझेंगे, यहां पर एक बिंदु P है, अंतरिक्ष में एक बिंदु P है, अंतरिक्ष में मान लीजिए कि अंतरिक्ष में एक बिंदु P है, P से हमने समतल XOY पर एक लंब PM डाला और वो समतल को बिंदु M पर मिलती है, M से हमने एक लंब ML X अक्ष पर डाला जो X अक्ष को O X अक्ष को L पर मिलती है। इस प्रकार मान लिया हमने OL की लंबाई X अक्ष में X एवं ML की लंबाई हमने माना Y और PM की लंबाई माना हमने Z अक्ष के अनुदिश Z मान लिया, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे P X Y Z। ये अंतरिक्ष में किसी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करता है, जो X X अक्ष का निर्देशांक, Y Y अक्ष के निर्देशांक, Z Z अक्ष के अनुदिश निर्देशांक। अब समतल और अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, समतल और अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, समतलों और अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, समतलों एवं अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक। इसके लिए भी डायग्राम हम बनाते हैं। अंतरिक्ष पर यहां पर आकाश में एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक X Y Z है। एक ये मूल बिंदु है, X अक्ष पर N एक बिंदु है, Y अक्ष पर एक बिंदु L है और Z अक्ष पर एक बिंदु R है। R X के N के निर्देशांक हो जाएंगे, चूंकि ये X अक्ष पर स्थित है इसलिए इसके निर्देशांक होंगे X 0 0, Y और Z के निर्देशांक 0 0 हो जाएंगे। Y अक्ष पर जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक होंगे 0 Y 0 और Z अक्ष पर जो बिंदु R है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 Z 0 0 Z। अब XOY समतल पर एक बिंदु है M, चूंकि ये XOY समतल पर है इसलिए इसके Z निर्देशांक 0 होंगे, तो बिंदु M के निर्देशांक हो जाएंगे XY
जीरो। वाई ओ जेड समतल पर एक बिंदु एस है, तो एस के निर्देशांक हो जाएंगे, चूंकि यहां पर वाई जेड समतल पर है इसलिए एक्स के निर्देशांक जीरो होंगे, ये हो जाएगा जीरो वाई जेड। इसी प्रकार एक्स ओ जेड समतल पर एक बिंदु क्यू है, चूंकि ये समतल एक्स जेड समतल पर है इसलिए इसका वाई निर्देशांक शून्य हो जाएगा, तो क्यू के निर्देशांक होंगे एक्स जीरो जेड। अंतरिक्ष पर हमने जो बिंदु पी माना है उसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई और जेड। तो इस तरह से समतल और अक्षों पर जो है, समतल और अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसके हमने निर्देशांक ज्ञात किया है। तो इस तरह से हमको मूल बिंदु के निर्देशांक मिलेंगे जीरो जीरो जीरो। तो एक्स के निर्देशांक हो गए, एन के निर्देशांक हो गए एक्स जीरो जीरो, वाई अक्ष पर एल एक बिंदु है जीरो वाई जीरो, जेड अक्ष पर एक बिंदु जीरो जीरो जेड, और इस समतल वाई ओ जेड पर एक समतल पर एक बिंदु एस है जिसके निर्देशांक होंगे शून्य वाई जेड। इस समतल पर है उसका जेड निर्देशांक जीरो हो जाएगा, इस समतल पर है उसका वाई निर्देशांक जीरो हो जाएगा। इस तरह से जो अक्ष पर स्थित है और समझो समतल पर स्थित है उस बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। अब हम दो बिंदुओं अष्टांग अष्टांग पर बात करते हैं अपन। निर्देश समतल पूरे आकाश को आठ भागों में विभक्त करता है, इन भागों को अष्टांग कहते हैं। अष्टांग निर्देश समतल ऑक्टेंट ऑक्टेंट निर्देश समतल पूरा आकाश को स्पेस को पूरा आठ भागों में विभक्त करता है। तो आठ भागों में विभक्त करने पर जो ऑक्टेंट जो प्राप्त होता है उसे हम अष्टांग कहते हैं। कि रेखा चित्र इसका y है, ये x अच्छा है और z p x y z p जब तीनों धनात्मक भाग में होता है तो x y z धनात्मक मिलते हैं। इसके लिए हम एक बना सकते हैं सारणी के रूप में ऑक्टॉन के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर निर्देशांक, इसको लिख सकते हैं हम निर्देशांक। ये होगा अष्टांग, ये लिख सकते हैं हम इसको अष्टांग अष्टांग। निर्देशांक हमारे हैं x y z, अष्टांग हमारे बनेंगे o x y z। ये पहला समतल, ये o है, ये पहला समतल होगा चारों धनात्मक तीनों अक्ष के धनात्मक भाग ओ एक्स वाई जेड पहला। दूसरा समतल हो जाएगा
ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स डेस वाई जेड, ये जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ाएंगे तो ये जब ये बिंदु P यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो x ऋणात्मक होगा, y और z धनात्मक हो जाएगा। तो इसके लिए जब धनात्मक P बिंदु जब इस भाग में है, धनात्मक भाग में, तो सभी के चिन्ह धनात्मक होंगे, तीनों निर्देशांक x y z के निर्देशांक के चिन्ह ऋणात्मक होंगे। जब ये बिंदु P x के ऋणात्मक भाग में चला जाएगा और yz समतल पे आएगा, yz के धनात्मक भाग में आएगा, तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, x माइनस निर्देशांक हो जाएंगे, y प्लस में रहेंगे और z प्लस में होंगे। तीसरा ओ एक्स वाई डेज जेड, ओ एक्स वाई डेज जेड बिंदु जब इसको आगे बढ़ाने पर, बिंदु जब इस पार्ट में चला जाएगा x के ऊपर और z के दाईं ओर जाएगा, तो यहां पर जब बिंदु पहुंचेगी तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, चूंकि x धनात्मक है, z धनात्मक है और y के लिए बिंदु हो जाएगा ऋणात्मक, y के लिए बिंदु हो जाएगा ऋणात्मक, तो x ऋण x धनात्मक, y ऋणात्मक, z धनात्मक। तीसरा y x y z z डैश समतल, इसमें जब बिंदु नीचे पहुंचेगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा, इस मूल बिंदु के नीचे पहुंचेगा, तो x और y के निर्देशांक तो धनात्मक होंगे लेकिन z z के सापेक्ष ये ऋणात्मक निर्देशांक प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जब बिंदु होगी तो x और y तो धनात्मक होंगे लेकिन z के निर्देशांक ऋणात्मक हो जाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा धन x धन y धन, z के निर्देशांक का चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। अब O x डेज y डेज z, O x डेज y डेज z, O ऋणात्मक y के ऋणात्मक z, जब इस z अक्ष के इस पार्ट में पहुंचेगा, इस भाग में पहुंचेगा, तो वहां y ऋणात्मक होगा, x ऋणात्मक होगा और z क्या हो जाएगा धनात्मक होगा। जब इस लाइन के इस पार पहुंचेगा, इस बिंदु यहां पर पहुंचेगा, तो y ऋणात्मक होगा, x ऋणात्मक हो जाएगा और z धनात्मक होगा। दूसरा हो जाएगा y जीरो x y डेस z डेस, जीरो एक्स वाई डेस जेड डेस। जब बिंदु इस फलक के नीचे पहुंचेगा, इस लाइन के उस पार, एक्स अक्ष के उस पार, तो ये यहां पर जब बिंदु पहुंचेगा इस साइड में, तो y ऋणात्मक होगा, z नीचे होगा और x धनात्मक होगा, तो x धनात्मक y ऋणात्मक और z ऋणात्मक। अब जीरो x डेस y z डेस, जब बिंदु y यहां पर, बिंदु इस पार्ट के नीचे पहुंचेगा, इस पर, इस भाग में, तो यहां पर y धनात्मक होगा, x ऋणात्मक हो जाएगा, z ऋणात्मक होगा। इस अक्ष के नीचे जब बिंदु जाएगा, है ना, क्योंकि ये z के नीचे पार्ट में है, y के ऋणात्मक पार्ट में है और y के धनात्मक भाग में है, तो ये ऋण, ये धन और ये ऋण। अब O x डेस y डेस z डेस, O x डेस y डेस z डेस, मतलब ये इस लाइन के उस पार, इस अक्ष के उस तरफ जब बिंदु नीचे यहां पर पहुंचेगा, तो यहां पर तीनों ऋणात्मक हो जाएंगे, y ऋण और ऋण। इस तरह अक्ष समतल को आठ भागों में डिवाइड करता है, इसे हम अष्टांग कहते हैं,
पहला ओ एक्स वाई जेड समतल, ओ एक्स डैश वाई जेड, दूसरा ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश और ओ एक्स डैश वाई जेड जेड डैश। तो इस तरह हमें आठ आकाश को अक्ष आठ समतलों के रूप में विभक्त करते हैं, ये अष्टांग या ऑक्टेन कहलाते हैं। अब त्रिमी निर्देशांक में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम रेखा चित्र बना लेते हैं। X, Y, Z डैश, P, Q PR, MN, PR, ये अभी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए निर्देशांकों में सूत्र की व्युत्पन्न करेंगे। मान लीजिए P एक बिंदु है आकाश में और Q आकाश में एक बिंदु है। P के निर्देशांक X1, Y1, Z1 एवं Q के निर्देशांक X2, Y2, Z2 है। दो बिंदु हमने लिया है अंतरिक्ष में, P X1, Y1, Z1 एवं दूसरा लिया है हमने P Q X2, Y2, Z2। P से हमने एक लंब XY समतल पर PM लंब डाला और Q से हमने एक लंब QN XY समतल पर डाला। P जो बिंदु XY समतल को जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, M के निर्देशांक होंगे X, Y, 0, क्योंकि वो Y, X ओ Y समतल पे है जिसका इसके निर्देशांक X, Y, 0, X1, Y1, 0, X1, Y1, 0। इसलिए होगा क्योंकि ये जेड अक्ष एक्स ओ वाई समतल में जेड अक्ष के निर्देशांक जीरो होते हैं, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वन वाई वन जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं एम के निर्देशांक को लिख सकते हैं एक्स वन वाई वन। इसी तरह एन जो क्यू से हमने लम डाला उसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स टू वाई टू जीरो, क्योंकि एक्स वाई समतल में जेड के निर्देशांक जीरो होते हैं, तो एन के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स टू वाई टू जीरो, या एन को निर्देशांक को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स टू वाई टू। इस तरह से हमने
M और N की निर्देशांक प्राप्त कर लिए, अब M और N की बीच की दूरी, M और N की बीच की दूरी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, तो M और N का वर्ग बराबर हो जाएगा ये वर्गमूल दो बिंदुओं के बीच की दूरी समतल में, दो समतल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हो जाएगा mn का वर्ग। P से हमने एक लंब PR इस QN रेखा पर डाला, P से PR एक लंब QR रेखा पर, QN रेखा पर डाला, PR की लंबाई, PR की लंबाई MN की लंबाई के बराबर होगी, जो PR की लंबाई MN की लंबाई के बराबर होगी। इसलिए बराबर होगी क्योंकि P और M QRN दोनों रेखाएं समानांतर है, तो जो MN की दूरी का मान निकला है वो PR के लिए भी लागू। अब QR बराबर, यहां पर लंब डालने पर ये हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है PQR। QR बराबर प्राप्त होगा QR बराबर QN माइनस RN, QN माइनस RN से हमको QR की प्राप्ति होगी। RN बराबर ये है PN के, PM के बराबर, RN, RN बराबर PM, PM, तो QR बराबर हो जाएगा QN माइनस, QN माइनस RN, RM, सॉरी PM, 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 QN की लंबाई Z2, ये Z है क्योंकि इसके निर्देशांक X2, X2, Y2, Z2 है, तो ये लंबाई Z2 हो गई, इसके निर्देशांक है X2, Y2, Z2 और इसके निर्देशांक है X1, Y1, Z1, तो इसकी लंबाई हो जाएगी Z1 माइनस Z1 QR, QR की लंबाई निकल गई। अब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा PQ स्क्वेयर इक्वल पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। पी आर का मान एम एन के मान के बराबर होता है, हमने अभी याद किया था पी आर की जो वैल्यू एम एन के मान के बराबर होता है, और एम एन स्क्वेयर का मान हमने याद किया था, इस याद किया था एम एन स्क्वेयर बराबर हमने निकाला था x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। PR स्क्वेयर की जगह मान रखने पर, सॉरी
mn का मान निकाला था, pr स्क्वायर के जगह हम रखने पर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, और qr का मान हो जाएगा z2 माइनस z1 का वर्ग। ये pq स्क्वायर, इसलिए PQ बराबर, इसलिए PQ बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। ये दो बिंदु के बीच की दूरी है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान वर्गमूल x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस z निर्देशांकों के अंतर के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब हम मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यदि हम मूल बिंदु को से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 और किसी बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक x, y, z हो तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी के लिए सूत्र बनेगा वर्गमूल x2 y2 z2, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। इसी प्रकार बिंदु किसी बिंदु से x अक्ष की लंबवत दूरी किसी बिंदु से x अक्ष की लंबवत दूरी ये हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक होंगे x, 0, 0 और कोई बिंदु दी गई है जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, तो उनके बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा y² + z² दूसरा, किसी बिंदु से y अक्ष की लंबवत दूरी यह हो जाएगा √x² + z². तीसरा, किसी बिंदु से z अक्ष की लंबवत दूरी लंबवत दूरी ये हो जाएगा √x² / y² इसी तरह से हम समतलों के बीच की किसी बिंदु से समतलों की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक इस प्रश्नावली 17.16 प्रश्न हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और हमको सिद्ध करना है कि उन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, जिसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दिए गए जो बिंदु हैं
उससे हम भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे। भुजाओं का मान ज्ञात करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय पर हम रखेंगे और देखेंगे कि संतुष्ट पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है या नहीं। यदि पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रहा है, इसका आशय ये है कि बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। दिया है कि तीन बिंदु जिसके निर्देशांक 6 0 0, मान लीजिए ये बिंदु हमने मान लिया जिसके निर्देशांक 6 6 10 10, बी बिंदु जिसके निर्देशांक हमने माना 6 -10 0, और एक बिंदु मान लिया सी जिसके निर्देशांक 1 0 -5 है। तीन बिंदु दिए गए हैं। इन तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो मान लीजिए हमने तीन बिंदु दी गई है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी AB की दूरी AB भुजा का मान निकल जाएगा 6 -6 का वर्ग +-10 -10 स्क्वायर +10 0 -10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √0 ÷ ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा AB इक्वल हमको मिलेगा √500, या हम इसको 10√5 इकाई भी लिख सकते हैं। अब BC भुजा की लंबाई हो जाएगी √10 -6 2 0 + 10 2 + -5 - 0 √ 4² 10² - 5² तो ये हो जाएगा √16 + 100 16 6 1 सॉरी यहाँ पे BC C का मान 0 है 1 है 1, ये -5 हो जाएगा, -5 होगा और 0 - 10 10 हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर ही हो जाएगा 25 देन 25। ये BC इक्वल हमको मिलेगा √150 इकाई, या हम इसको लिखेंगे √6। इसी प्रकार AC इक्वल √1 - 6² 0 - 10² - 5 - 10² = √
माइनस फाइव 25, 100, 225, तो ये हो जाएगा AC इक्वल हो जाएगा √30, 350, है ना। तो हम इसको इस तरह से, हमको तीन मान प्राप्त हुआ, AB का मान प्राप्त हुआ था 500, √500, BC का मान प्राप्त हुआ था हमको √150, एंड AC का मान प्राप्त हुआ है √350। अब हम देखते हैं BC का वर्ग AC का वर्ग जोड़े तो AB के वर्ग के बराबर होता है। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल ये होता है 150 प्लस 350 √होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 150 प्लस 350 होगा 500 ये 500 मिलेगा हमको AB स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इससे ये सिद्ध होता है कि पाइथागोरस प्रमेय AB, 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 AB,
आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है तो दिए गए बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। इस यही सिद्ध होता है। कल हम खंड सूत्र के बारे में बताएंगे और संबंधित सवाल भी हल करेंगे। धन्यवाद।